हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है MS Sweden उर्फ छोटू, और ये वीडियो है जी अचीवमेंट के लिए। जो न्यू अचीवमेंट आई है काफ़ी सारे लोगों की, आज की हम अपडेट हुई है मेरी, कर ली होगी जी, तो मैंने काफ़ी हद तक अचीवमेंट कर ली है। एक ही रह गई है मेरी, मगर वो ज़रा टफ है, तो मुझसे अकेले से नहीं होगी। और वैसे भी मैं इतनी प्रो तो हूँ नहीं जो अकेले जाके फिरौन उस डेडमैन सैंडमैन और द डेड मैन राइज को ये जो है वड्डा सा जी इसको मार सकूँ। तो वैसे ग्राफिक्स तो लिखता है यार, ये यहाँ जो इफेक्ट आएगा ना हैंडफी लगाने के बाद, वो जब ये से हाथ आता है हैंडफी लगी होती है, तो आपका जहाज़ अभी उसने पकड़ लेना है और आपको ना ऐसे हाथों में पिचक देना है। मगर खैर कोई बात नहीं, जहाज़ निकल जाता है बट मज़ा आता है। आई रियली लव्ड इट। तो जी आपको सबसे पहले अचीवमेंट में टास्क है, ये सैंडस्टॉर्म है, ये जो गोल से चक्री से आपको नज़र आ रही है ये सैंडस्टॉर्म है, इसमें आपने घुस के एक आधा बंदा मारना है, ठीक है। लाजमी सपोर्ट मिल जाएंगे आपको अगर कोई छोड़ देगा। वैसे तो मेरे साथ मेरी दफ़ा में इतने सारे लोगों की अपडेट नहीं हुई थी, तो कम ही लोग आ रहे थे, मगर उसके बावजूद तीसरी दफ़ा में जाकर मरने के बाद जो है ना भाई साहब मेरे आया था, तो मैंने किसी को मारा था। यहाँ भी मैं सिर्फ लूट ही करके अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, तो मैंने यहाँ भी कुछ खास उखाड़ा नहीं और इधर से लूट करके मर मरा कर जो है ना मैं वापस चली गई। मगर आप लोग जो है ना कोशिश करना आपको बोट मिल जाए, बोट मिल जाता होता है, वैसे कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगा बोट भी। तो फिर उसके बाद दोबारा भी मैंने गेम लगाई, यहाँ सैंडस्टॉर्म आप लोगों को मैप में शो हो रहा होगा, सैंडस्टॉर्म के अंदर रह के आपने एक बंदा मारना है, ये आपका एक टास्क पूरा हो जाएगा। और मैं दूसरी दफ़ा में भी जो है ना बंदा नहीं मार सकी थी, तीसरी दफ़ा मिलिट्री में सैंडस्टॉर्म बना, वहाँ पर मुझे एक बंदा बेचारा मिल गया, वो भी यहाँ सैंडस्टॉर्म में बंदा ही मारने आया था, मगर मैंने इसको दबोच लिया और नोच लिया और खरोच लिया। फिर यहाँ से मैं निकली, अब यहाँ पे जाना है, छोटे छोटे पिरामिड्स बने हुए, यहाँ पर आपको पजल सॉल्व करना है। पजल सॉल्व करना बहुत ईजी है, यहाँ पर पजल के लिए ना आपको मिलेगा वहाँ पर तीन बुद्ध बने होंगे, आपने बस उनके जो है ना तस्वीर सेम करनी है, और फिर आपने यहाँ पर आना है जहाँ पर ये बड़े मोनूमेंट्स हैं ये मूव कर रहे होंगे, जहाँ पे ये मिट्टी फेंक रहा होगा वहाँ पर से बॉक्स बना होगा, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना आए होंगे। आपने इस पर चढ़ के बंदा मारने के बाद इस पर चढ़ के तो जो है ना ऊपर पिरामिड में जाना है। सॉरी मेरी ये ज़रा क्वालिटी ख़राब है, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब की स्क्रीन में से वीडियो बना रही थी। ऊपर बड़े बंदे मिलेंगे और यहाँ भी मुझे काफ़ी सारा बंदा मिल गया और मैंने जो है ना उसको लगा दिया। फिर उसके बाद एक बंदा मेरे पीछे भी पड़ा हुआ था, खैर उससे जान छुड़ा कर मैं कोशिश कर रही थी किसी तरह से निकल जाओ। यहाँ पर फिर आपको तीसरा आपका मिल जाएगा, ये बत्तियाँ थी, सॉरी ये कीड़े थी जो बने हुए, इनको आप मार लें। तो आपका तीसरा टास्क है एक मॉन्स्टर मार लें, आप इसको मार लें। इसके अलावा इसको मार के आपको यहाँ से मिलेंगे काफ़ी सारे जो है ना ट्रेजर शेयर मिल जाएगा। अंदर बड़े बड़े कोबरा फन तलाई भी बैठे हैं, उनको भी आप मारे तो आपको ट्रेजर मिलेगा। ट्रेजर शेयर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मगर इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रेजर की, मगर सांप को मारने का मज़ा ही कपन है। खैर मैंने भी नागिन पड़का दिया। फिर यहाँ पर आएगा मॉन्स्टर, ठीक है, यहाँ पर ये दो छोटे से मम्मी आएंगे, यहाँ इनको मार के आपका मॉन्स्टर वाला टास्क तीसरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे दो आएंगे, इनको दो को मार के भी आपको ट्रेजर मिलेगा। इनकी इतनी पावर नहीं है, बस नॉर्मल की है, आप इनको जो है ना आराम से फेल सकते हो। ये मैंने फेल दिया एक को, दूसरा भी आया उसको भी मैंने मार शार लिया, ये भी दूसरा भी जैसे पैदा हो जाएगा बू है ना, ये जो इसका अबू है या ट्रेजर पर बैठा हुआ, ये शायद दूसरा भी आ गया, इसे दूसरे को भी मैंने फेला पहला क्या मारा, उधर से गो बंदा भी इसको मारा था, इधर से मैं भी इसको लगा रही थी, खैर इसको मार के शहर शहर लूट के इसका फिर मैं उस तरफ गई जहाँ पर बड़ा फिरौन मम्मी सैंडमैन जो भी है वो है, ठीक है। मगर मुझसे पहले वहाँ पे ना कोई हीरो बन के उसको मार चुका था, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि आपने वहाँ पर कहाँ पर जाना है। इस तरह से आप जो है ऊपर एम्पायर वाला जो है बड़ा वाला मोनूमेंट जो भी है वहाँ पर जाएंगे, आपको ये रस्ते से बने हुए ये चमकती हुई लाइनें नज़र आ रही हैं, ये नज़र आएंगी। आपने यहाँ पर दो दो चार चार सेकंड, चार होंगे ये डोर्स, दो दो चार चार सेकंड खड़े होंगे तो ये लाइंस ना जो है ना ग्लो करना शुरू कर देंगी, ये ग्लो करेंगी। आपने ये चार डोर्स ओपन करने हैं, फिर एंड में एक डोर के ऊपर खड़े हो जाएंगे, वो सीधा आपको फिरौन के पास ले जाएगा, और फिरौन की पावर आपसे तीन चार दफ़ा ज़्यादा गुना ज़्यादा है। और उसके अलावा जो फिरौन है उसकी पावर रिचार्ज होती रहती है, इसलिए अगर आप बहुत सुपर किस्म के प्रो हैं तो आप ज़रूर वहाँ पर जाएं अकेले, मगर आप सुपर किस्म के प्रो नहीं है तो डुओ या स्क्वाड के साथ चले जाएं, बड़ी बड़ी जगह कर लें। वैसे भी जितना बंदा वहाँ पे आता है आपको अपने स्क्वाड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
और मैं कोई इतनी प्रो तो हूँ नहीं, और मुझसे पहले एक बंदा उसका खात्मा कर चुका था। मैं तो सिर्फ यहाँ वीडियो चुपचाप बना ली, और मेरे अभी तक ये टास्क हुआ कोई नहीं, क्योंकि मैं अपने स्क्वाड के इंतजार की थी। आज उनकी अपडेट है, मेरी तो कल ही आ गई थी। कल सुबह सुबह मैं उठी तो भाई साहब अपडेट भी पड़ी, समझ ही नहीं कैसे होगी। वैसे क्या ही बात है, चलो अल्लाह का शुक्र है। आप लोग भी अचीवमेंट करें और हेल्प लें, और कुछ पूछना हो तो मुझे ज़रूर पूछिए, और देखते रहिए मुझे।